हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डेल पब्लिक स्कूल ततारपुर। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आई होप यू कंटिन्यूड योर स्टडी एट होम एंड एंजॉय योर वेकेशन। सो नाउ ऑन अब हम हमारी वापस से क्लासेस स्टार्ट करेंगे और जो जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको आप घर पर कंटिन्यू स्टडी स्टार्ट कर दो। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2 हमारी स्टार्ट करी थी, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 हमारी चल रही थी और उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हमें क्या करना है, नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, उन सबकी हमें क्या फाइंड करनी है, डिग्री फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल दे रखी है हमें 5x^3 प्लस 4x² प्लस 7x, ये एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसकी हमें फाइंड करनी है क्या, डिग्री। तो मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में आपको, डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाती है, डिग्री। अब यहां पर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, एक्स, और एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, सिंपल। ऐसे ही सेकंड पॉलिनोमियल हमें गिवन है 4 - y² तो इसकी डिग्री क्या होगी बताओ, वेरिएबल कौन सा है यहां पर, वाई, और वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी बन गई, 2। थर्ड है 5t - √7, यहां पर वेरिएबल कौन सा है, टी, उसकी टी की पावर कितनी है, 1, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो डिग्री कितनी हो गई, 1। ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ है 3। अब देखो इस पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल है नहीं है, तो जब भी वेरिएबल अगर प्रेजेंट नहीं हो, सिर्फ क्या हो, एक कांस्टेंट टर्म हो, तो हमेशा उसकी डिग्री क्या होती है, 0, यानी डिग्री क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है आपके, क्या वेरिएबल अगर नहीं हो तो डिग्री हमेशा सिंपल आपको क्या लिखनी है, 0 लिखनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। डिग्री आपको आ गई होगी समझ में, कैसे फाइंड करनी है, तो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए आप इजीली डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वो 5 क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और उसमें हमें क्लासिफाई करना है उनको किस किस में, कि क्या वो लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जैसे फर्स्ट दिया हुआ है x² + x। अब देखो प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे ये तीनों टर्म्स, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, लीनियर जो पॉलिनोमियल होती है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा कितनी होगी, 1, पावर हमेशा कितनी होगी, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा कितनी होगी, 3। बस सिंपल इतना सा याद रखना है आपको। अब यहां पर देखो
वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल कौन सा है, एक्स, और एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, टू, यानी कौन सी पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या लिख देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड देखते हैं क्या कौन सी है, सेकंड दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स की पावर थ्री, यहां पर वेरिएबल है एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर, वेरिएबल है वाई और वाई की हाईएस्ट पावर, हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है और कुछ नहीं देखना, हाईएस्ट पावर कितनी है, टू, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पर, वन प्लस एक्स, वेरिएबल है एक्स और एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन, पावर वन होती है तो कौन सी पॉलिनोमियल कहलाती है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये कौन सी बन गई, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल थ्री टी, वेरिएबल है टी और टी की हाईएस्ट पावर वन, वन पावर हो तो कौन सी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है आर स्क्वायर, वेरिएबल क्या है आर, आर की हाईएस्ट पावर कितनी है, टू, टू पावर होती है तो कौन सी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेवन, सेवन एक्स की पावर थ्री, वेरिएबल है एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल बन जाएगी, थ्री अगर पावर हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल आपको चेक करना है बस कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर वन है तो लीनियर पॉलिनोमियल, टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थ्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल आपको इस तरीके से, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं हम। इसमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एट, एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल है फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, यहां पर फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एट, फर्स्ट दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इस पॉलिनोमियल की हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, पॉलिनोमियल है फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो यहां इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह हमें सिंपल क्या पुट करना है, जीरो, तो फाइव मल्टीप्लाई एक्स है यानी मल्टीप्लाई एक्स की जगह जीरो, माइनस फोर मल्टीप्लाई एक्स की जगह जीरो है तो जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, माइनस जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो ही होगा, और जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो प्लस थ्री, जीरो तो है ही, कोई मतलब नहीं है जीरो का, तो हमारे पास बच क्या गया, थ्री, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, थ्री। सिंपल आपको जो एक्स की वैल्यू गिवन है उसको उस पॉलिनोमियल में पुट कर देना एक्स की जगह। ऐसे ही अब सेकंड लेते हैं, अब हमारा सेकंड पार्ट इसका ही, एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन, अब की बार पॉलिनोमियल में एक्स की जगह क्या पुट करना है, माइनस वन, पॉलिनोमियल है फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स की जगह माइनस वन रखना है, फाइव मल्टीप्लाई माइनस वन
माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, यानी माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री। देखो 5 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस का, और 5 इंटू वन 5, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस वन का स्क्वायर। माइनस वन किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो इसको कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 तभी तो आता है 4। तो माइनस वन का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 इंटू वन 1, यानी माइनस वन का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा प्लस 3, माइनस 4, 4 इंटू वन 4 प्लस 3, माइनस 5 माइनस 4, दो माइनस के नंबर्स को ऐड करेंगे तो साइन किसका आएगा, यहां लिख लो, दो माइनस के नंबर्स को ऐड करेंगे तो साइन हमेशा माइनस का, 5 और 4 9 प्लस 3। अब देखो बड़ा 9 और 3 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 9 है, उसके आगे क्या साइन लगा हुआ है माइनस का, तो हमारे रिजल्ट में भी साइन किसका आएगा माइनस का, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस वन पर कितनी होगी माइनस के 6। ओके तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब इसी का ही थर्ड पार्ट लेते हैं, थर्ड में दिया हुआ है हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू 2 पर। पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब की बार x की जगह कितना पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 2 कितने हुए 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 3। अब देखो ये 10 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो 10 और 3 कितने बन जाएंगे 13 माइनस 16, 13 में से 16 जाएंगे, स्मॉल नंबर में से ग्रेटर नंबर माइनस कर रहे हैं साइन माइनस का, और कितने आ जाएंगे 13 में 16 जाएंगे तो माइनस के 3, यानी इस पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू 2 पर कितनी वैल्यू होगी माइनस 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो आज जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आप उनको घर पर वापस से एक बार अपने से प्रैक्टिस करके सॉल्व करके देखना, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसके आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास यहीं और करते हैं, अपने अच्छे से घर पे आप पढ़ते रहना। थैंक यू सो